इंग्लैंड के काउंटी चैंपियनशिप में पाकिस्तान के घातक खिलाड़ी ने तूफानी दोहरा शतक लगाकर मचाया कोहराम। पाकिस्तान के सिर्फ एक शेर ने इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को रुला कर रख दिया। जी हां दोस्तों, कौन है ये खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, आपके मुताबिक क्या पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में इधर IPL का हल्ला मचा है तो उधर इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप का खुमार जोरों पर है, जहां एक साथ कई मुकाबले खेले जा रहे हैं। पर एक मुकाबला जिस पर भारत पाकिस्तान दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस की नजर है, वो डर्बीशायर बनाम ससेक्स के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले पर भारत पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की नजरें गड़ी होने की वजह है ससेक्स की ओर से खेल रहे चेतेश्वर पुजारा और मोहम्मद रिजवान। हालांकि हमारा मकसद ये दोनों नहीं बल्कि डर्बीशायर के लिए खेल रहे 32 साल के पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद है, जो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ससेक्स के खिलाफ मैच में डर्बीशायर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसका ये फैसला रंग लाया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक डर्बीशायर ने 2 विकेट पर 327 रन बनाए, जिसमें शान मसूद की नाबाद पारी की बड़ी भूमिका रही। बाएं हाथ के पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद डर्बीशायर की पारी की शुरुआत करने उतरे और दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद ही रहे। उन्होंने 359 मिनट यानी कि तकरीबन 6 घंटे बल्लेबाजी की और इतने में ही अपने फर्स्ट क्लास करियर का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। ससेक्स के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक वो 201 रन बनाकर नाबाद रहे। ये रन उन्होंने 271 गेंदों का सामना करते हुए 22 चौकों की मदद से बनाए हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद के फर्स्ट क्लास करियर का ये पहला दोहरा शतक भी है। इससे पहले वो 18 शतक लगा चुके थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इससे पहले शान मसूद का सबसे बड़ा स्कोर 199 रन था। उन्होंने 138 फर्स्ट क्लास मैचों में अब तक 8200 से ज्यादा रन बना लिए हैं। डर्बीशायर के लिए खेलते हुए शान मसूद फिलहाल 201 रन बनाकर नाबाद हैं। इस दौरान तीसरे विकेट के लिए उन्होंने मैटसन के साथ मिलकर 236 रनों की पार्टनरशिप भी की है। अब दूसरे दिन के खेल में वो अपनी इनिंग को वहीं से उठाएंगे जहां पर पहले दिन छोड़ा था, मतलब उनके पास दोहरे शतक को और भी बड़ा रूप देने का मौका होगा। दूसरे दिन उनकी कोशिश डबल सेंचुरी को ट्रिपल सेंचुरी में बदलने की होगी। डर्बीशायर के लिए शान मसूद की बल्लेबाजी जितनी देर चलेगी, ससेक्स की मुश्किलें उतनी ही बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।